नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में। पेट की 100% सफलता के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं इतिहास के ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी। कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? अली बंधुओं से संबंधित है। यह कब हुआ था? यह 1919 ईस्वी में हुआ था। दी इंडियन नेशनल की स्थापना किसने की थी? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में की थी। साप्ताहिक समाचार हरिजन का प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने किया था। साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में किया गया था। रस्त गुफ्तर नामक पत्र किससे संबंधित है? दादा भाई नवरोजी से संबंधित है। कामन बिल मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादक कौन थी? एनी वेंसेंट थी। राजा राममोहन राय को क्या कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत के नाम से भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। पुनः वेदों के और बढ़े चलो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज शब्द प्रथम बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रयोग किया गया था। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? शिवदयाल साहब ने की थी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अधिनियम का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम शास्त्री ने किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वारन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया था? 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बना दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कार्नवलिस ने की थी। वासन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? पेशावा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के ईस्वी के बीच में हुआ था। इंडियन हाउस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन हाउस की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में लंदन में बीटी सावरकर ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। किसने की थी? तारक दास ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काबुल में हुई थी। किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप जी ने की थी। भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना कब हुई थी? 1661 में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। प्रथम रेल लाइन किसके समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी।